पुराणों के हिसाब से ऐसी होगी प्रलय। साब से ऐसी होगी प्रलय। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है, जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है, आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सत्ययुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कलयुग का काल, कलयुग का काल 432,000 साल लंबा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब पांच ग्रह मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 इक्वल्स 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 426,881 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत, महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कल के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यो ज्यो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उतर उतर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलि काल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार होगा, चारों वर्णों के लोग शूद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। इंसानों को खाने के लिए नहीं बचेगा कुछ। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पियेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। इंसान हो जाएगा हिंसक। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट है। केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषी हो जाएंगे। धर्म कर्म का गायब हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रिगमन और हिंसा ही धर्म होगा।